हाँ जी सर, जैसे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कहोगे? भाई बहुत बढ़िया, बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़िया? अच्छा है ना कि लोगों की कमाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। कैसे कमाई, क्या कमाई बढ़ रही है? लोग कमाई रहे हैं, कम है पैसा लोगों के पास। कितना पैसा है? बहुत पैसा है। एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए तो नहीं है कुछ? साइकिल चलाओ सर। इसमें ये क्या है ना, अब गाड़ी लेनी बंद पड़नी पड़ेगी, सीधा आप डीजल पे जाएंगे या सीएनजी वाली चलाएंगे सबसे बढ़िया? दिन पे दिन ये नौवा दिन है जो पेट्रोल के दाम बढ़े, क्या कहोगे? खूब बढ़िया है, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ते रहो, कोई देश अच्छे हाथों में, हमारा सुरक्षित हाथों में, मोदी जी के हाथों में। कैसे 2014 में नहीं था? नहीं, नहीं, क्या था? बेकार था, सब सब शासन बेकार है। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज। अभी हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप के पास। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल ने शतक पार कर दिया है, तो आइए जनता से बात करते हैं। हाँ जी सर, जैसे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कहोगे? भाई बहुत बढ़िया, बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़िया? अच्छा है ना कि लोगों की कमाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। कैसे कमाई, क्या कमाई बढ़ रही है? लोग कमाई रहे हैं, कम है पैसा लोगों के पास। कितना पैसा है? बहुत पैसा है। एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए तो नहीं है कुछ? साइकिल चलाओ। हैं? साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ। क्यों, जब अगर उसके पास बाइक है, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है बाइक, तो क्यों नहीं है? भाई वो अपने ऊपर है, मत चलाओ, ये ज्यादा बात है। क्यों टैक्स को कम करना क्यों नहीं चाहिए, ये बताओ भाई। अब हमारी सरकार हमारे हाथ में थोड़ी है, अपनी मर्जी थोड़ी बढ़ा रहे हैं वो भी। सरकार ने तो वादे किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। बहुत वादे पूरे करती है, कहाँ कहाँ होते हैं पूरे। हाँ जी सर, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल पे दिन ये नौवा दिन है जो पेट्रोल के दाम बढ़े, क्या कहोगे? खूब बढ़िया है, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। क्यों साहब, कुछ जिसको जो चलाना है चलाएगा ही। क्यों टैक्स कम करना चाहिए ना? कोई टैक्स ठीक है, सरकार जिससे खुश रहे वही ठीक है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, नौवीं बार है जो बढ़े, आपका क्या कहना है इस पे? कुछ नहीं, महंगाई कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ते रहो, कोई देश अच्छे हाथों में, हमारा सुरक्षित हाथों में, मोदी जी के हाथों में। कैसे 2014 में नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था? नहीं, क्या था? बेकार था, सब शासन बेकार है, बीजेपी का शासन अच्छा है। कैसे था? अच्छा शासन नहीं है। और कैसा था और अब कैसा है, एग्जाम्पल बताइए। पहले बहुत कुछ होता था, अब कुछ नहीं होता, ना दंगे ना कुछ, सब बढ़िया है। पहले दंगे, कौन से दंगे हुए थे? बहुत दंगे हुए हैं, बताओ। घोटाले बहुत हुए हैं, सारे घोटाले अभी भी होते हैं? नहीं, बताओ। कोई घोटाला नहीं हो रहा। ये देखो ना, टैक्स जो पहले 9 रुपए थे 2014 के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़ जाओ, देश सुरक्षित हाथों में हमारा, महंगाई कोई दिक्कत नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही है लोगों की। पहले नहीं तो आप कैसे सुरक्षित है, मतलब मैं समझा नहीं, बताओ। जनता पूछना चाहती है क्या कि कैसे पहले सुरक्षित नहीं था और अब सुरक्षित है, कैसे? पहले हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी, जगह जगह सब कुछ होता रहता था, आज सब कुछ नहीं, नहीं इतना नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई हाथरस गैंग भूल गए हैं जी, यूपी में हाथरस गैंग भूल गए? नहीं नहीं, वो हैदराबाद में जो हुआ था नहीं, वो भूल गए? नहीं, वो कुछ नहीं है, सब वो है। हाँ। और बढ़िया शासन वो चल रहा है, शासन बीजेपी का अच्छा शासन है, कोई महंगाई से कोई हमें नहीं है डर, आमदनी मिडिल क्लास फैमिली तो दब रही है ना नीचे, हम भी मिडिल क्लास ही हैं, लेकिन बढ़िया शासन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी होनी चाहिए देश पर। सर आपको नहीं लगता कि पेट्रोल पे जो GST है उसको कम करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए? सर कम तो करना चाहिए, पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, तो टैक्स और कम करना चाहिए, क्योंकि 2014 में अगर बात करें तो टैक्स 9 रुपये था, अब 28 या 29 रुपये हो गया था। सरकार कहती बोली थी कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, अब तो बढ़ रही है। सर ऐसा है, कोई भी सरकार आए महंगाई तो बढ़नी है, कोई भी सरकार कम नहीं होता, दिखावटी कम करते हैं, मगर बढ़ाएंगे 10 रुपये तो कम करेंगे 1 रुपया। तो आम जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है सर, जैसे कि महंगा हर कोई आइटम ले लो, कोई भी सस्ता नहीं है। 2017 में करीब 70 रुपये लीटर तेल था, अब जाके 100 रुपये टप रहा है, तो क्या करेगा, क्या आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा? तो टैक्स कम करना चाहिए। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है, टैक्स कम करना चाहिए पेट्रोल पे जो बढ़ रहे हैं? मैं भी यही कहूँगा, घटना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे आम जनता पे सारे लोड होते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनको हर चीज़ों में प्रॉफिट होता है, और छोटे लोगों के ऊपर सारी जो भी हम टैक्स बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं, वो आम जनता पे ही प्रेशर पड़ता है, तो आम जनता पे नहीं होना चाहिए, बड़े लोगों पे भी होना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। सर जैसे कि पेट्रोल के दाम आज 1 महीने में 9वीं बार बढ़े हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत
गलत है, बहुत बहुत गलत है। तो कोई काम भी नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। का सर जी समझो को 8 दिन में एक बार निकालते हैं गाड़ी, जो रखते बंद रहते, काम ही नहीं है, उस साथ बहुत बुरा हाल है, काम ही नहीं है। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, कम करना चाहिए टैक्स, बहुत 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 दाम बढ़ रहे हैं, जेब पे फर्क पड़ रहा है ना। अरे बहुत दाम बढ़ रहा है, महंगाई इतनी है, मजदूरी कम कम हो गई, जो आदि 500 में जाता था वो 300-400 में जा रहा है, तो यार मजदूरी आ रहा है, नहीं रहेगा ठा रहता है बंदा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। सर जैसे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, ये 9वीं बार है जो महीने में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, आपका क्या कहना है इस पे? सर अब बढ़ तो रहे हैं रेट, क्या कर सकते हैं उसमें, आम आदमी की पॉकेट पे बड़ा फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से। तो आपको नहीं लगता कि इस पे जो टैक्स है वो उसको कम करना चाहिए? बिल्कुल, केजरीवाल सरकार को करना चाहिए कम, करना चाहिए, बिल्कुल। और क्या कहेंगे फिर केंद्र सरकार को आप? यही कहना चाहेंगे टैक्स कम करिए, थोड़ा सा पेट्रोल के रेट ठीक होए, मिडिल क्लास फैमिली के जेब पे ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा ही असर पड़ता है। सर इसमें ये क्या है ना, आप गाड़ी लेनी बंद करनी पड़ेगी, सीधा आप डीजल पे जाएंगे या सीएनजी वाली चलाएंगे सबसे बढ़िया। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को टैक्स कम करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये चीज़ तो गलत है ना, जो गलत है सर। अब क्या कर सकते हैं, वो भी बढ़ा सकते हैं, वो भी अपनी चीज़ देख के चलेंगे, पर गरीब आदमी को तो देख के चलें, अब वो बेचारे गरीब क्या करेंगे, वो तो डूब मरेंगे इससे बढ़िया, क्या करना अब। तो आपकी जेब पे कितना सर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है सर, अब क्या कर सकते हैं, अब सारी चीज़ झेल के चलनी पड़ेगी, बट यही अब उन्हें भी तो दिखना चाहिए ना ये चीज़ की, क्या नाम है, केंद्र सरकार को भी क्या क्या है क्या नहीं हर चीज़।